वेलकम बैक टू सॉटिक टाइम फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक और नई अपडेट। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को लेकर डाला था, जो सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो थी। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि 2 महीने की फेक वीडियो है। मैंने उसके बाद से शॉर्ट्स भी बनाई, स्टोरी भी डाला, कम्युनिटी पोस्ट भी डाला। दोस्तों 2 महीने की जरूर थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ है यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस यही बता रहा हूँ कि ये लोग कितनी साजिश कर रहे हैं ताकि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों आप सभी के यहाँ पे सपोर्ट से आप सपोर्ट करते रहिए और आप सभी अपना जो तत्परता है मेल करते। एक चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की ही यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के डिफेक्ट हो चुके हैं फॉर्म, वो भी कल की डेट में, परसों की डेट में। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो डिफेक्टेड वाले डेट थे वो तो बहुत पहले क्लोज हो गए थे, चाहे किसी भी स्कीम की बात कर ले। लेकिन अभी क्यों डिफेक्ट हो रहा है, वो भी किसी एक नहीं का, पर्टिकुलर कॉलेज का। कॉलेज का नाम तो मैं नहीं यहाँ पे बताने वाला, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। वीडियो को हमारे जरूर लाइक करिएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिए विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग आवर टाइम। सीधे चलते अपने स्क्रीन पे, लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। दोस्तों ये आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बताया था, उस वीडियो के अकॉर्डिंग ये मतलब नहीं था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की पेमेंट नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर नोटिस कराना बहुत जरूरी है। अभी मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है, उसके बेसिस पे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, ये स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल के, आप देख पा रहे होंगे। यहां पे सबसे ऊपर लिखा है WB मतलब वेस्ट बंगाल 2022-23, मतलब इस साल की एप्लीकेशन है, फ्रेश एप्लीकेशन है। इनकी एप्लीकेशन स्टेटस यहां पे आप देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन, नहीं मतलब इनका एप्लीकेशन इज मार्क एज डिफेक्टिव बाय स्टेट नोडल ऑफिसर। इस तरीके के इस बंदे का एप्लीकेशन स्टेटस शो कर रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये डिफेक्टिव एप्लीकेशन बाय स्टेट नोडल ऑफिसर का एक्शन कब लिया गया। हालांकि इस बंदे का एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुका था, उसके बाद से ये बेसिकली इनका एप्लीकेशन डिफेक्ट हो गया। और ये बंदा कोई और नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के स्टूडेंट है। यहां पे आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूं। और सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीजें ब्लर है, कॉलेज का नेम और जो यहां पे चीजें हैं। डेट आप देख सकते हैं 17/6/2023, यहाँ पे 17 जून 2023, अभी आप देख सकते हैं आज 20 के अकॉर्डिंग है, 20 तारीख है। और ये 17 जून को यहाँ पे 2-3 दिन पहले ही एप्लीकेशन यहाँ पे पूरी तरीके से इनका रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन में चलिए देखते हैं, रीजन में क्या रिमार्क इन्होंने डाला है। लिखा है एप्लीकेशन मार्क डिफेक्टेड एज INO मार्क्ड फेक्स बाई DNO SNO, रीजन गिवन बी इज INO इज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंस्टीट्यूट। मतलब कि कहा जा रहा है इंस्टीट्यूट में आपकी गड़बड़ी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत तेजी से स्क्रीनिंग की जा रही है और बहुत तेजी से जिस स्टूडेंट का जितनी तरीके से यहाँ पे कोई भी कमी निकल रही है तुरंत एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। ये वेस्ट बंगाल का आप स्टूडेंट को देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का। अब दूसरे स्टेट का मैं दिखाने वाला हूँ, वो बिहार के, आप देख पा रहे होंगे बिहार का एक स्टूडेंट है। इसका भी स्टेटस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इनका स्टेटस है एप्लीकेशन इज डिफेक्टेड मार्क डिफेक्टेड बाई स्टेट नोडल ऑफिसर। आई थिंक आपको विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी क्योंकि इसकी क्वालिटी सही नहीं है। स्टिल मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी फ्रेश स्टूडेंट है क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है क्योंकि मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्रेश स्टूडेंट का ही होता है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो अजीमुल्ला अंसारी जो कि स्टेट नोडल ऑफिसर है, आप सभी को पता है कि ये अपना काम वेरीफाई कर दिए थे 28/3/2023 को, एक बार फिर किए थे 9/12/2023 को, फिर 28/3/2023 को, मतलब 28 मार्च 2023 को, मार्च में बंदे का मार्च के लास्ट में फॉर्म वेरीफाई हुआ। लेकिन दोस्तों यहां पे देख सकते हैं एक बार फिर इनकी एप्लीकेशन 19/6/2023 मतलब कल की डेट में पूरी तरीके से डिफेक्ट हो चुकी है। इसलिए रिक्वेस्ट है, चाहे आप वेस्ट बंगाल के हो, बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, कोई से भी स्टेट के हो, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में अप्लाई किए हैं तो अपना स्टेटस डेली बेसिस पे, रेगुलरली बेसिस पे जरूर चेकआउट करिएगा ताकि हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन यहां पे अगर यहां पे डिफेक्टेड हो या रिजेक्टेड हो तो आपको यहां पे पता चल जाए।
ये मैंने वेस्ट बंगाल का दिखा दिया, बिहार का दिखा दिया। अब मेरे पास एक और स्क्रीन शॉट है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये भी वेस्ट बंगाल का है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये रिन्यूअल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनके एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पे देख सकते हो 2021 लिखा हुआ है। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि सिर्फ फ्रेश वालों को ही चिंता नहीं करनी है, रिन्यूअल वालों के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो और भी देखते हैं, नीचे लिख सकते हैं 17/6/2023। और ये जो स्टूडेंट जो रिन्यूअल है, इनसे मैंने बात किया, इनका कहना है कि मुझे पिछली साल पेमेंट मिला था, इस साल इन्होंने क्यों 17/6/2023 मतलब कि 2-3 दिन पहले मेरा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, डिफेक्ट कर दिया, क्या फिर से इनका फॉर्म अप्लाई होगा या नहीं, इसका मैं एक ही रीजन बताना चाहता हूं। दोस्तों इस बार बहुत तगड़ी यहां पे चेक इन हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट जरूर मिलेगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम्स, ओके। और ऐसा नहीं है कि आपको मैं डरा रहा हूं, धमका रहा हूं, किसी भी चीज के बारे में यहां पे कुछ बता रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट कहते हो कि इस तरीके के वीडियो मत बनाओ, फेक बना रहे हो, क्लिक बैट है, थंबनेल, यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो भी चीजें हैं, वही चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट के इस तरीके के प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपली सा क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर से बात करना है, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, वो आपकी पूरी फॉर्म को इन्होंने डिफेक्ट किया, ध्यान रहे रिजेक्ट नहीं किया, अगर रिजेक्ट करता तो समझ लीजिए परमानेंटली आपका काम खत्म, आपसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने डिफेक्ट किया है, मतलब कि रिजेक्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिफेक्टेड की डेट अभी है, आप देख पा रहे होंगे यहां पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे DNO SNO वेरिफिकेशन या फिर डिफेक्टिव वेरिफिकेशन 30/11/2022 31/12/2022 को ही क्लोज हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, या इवन आप किसी भी स्कीम में अप्लाई किए हो। स्टिल मैं आपको यहां पे सजेशन देना चाहूंगा, रिकमेंडेशन यहां पे देना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि आप अपने स्टेट नोडल ऑफिसर का जो ये जो कृत किया गया है, जो कार्य किया गया है, इसको आपको अपने इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, जो आपके इंस्टीट्यूट से आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करता है, वेरीफाई करता है, NSP के फॉर्म को देखता है, उनसे जाके कॉन्टैक्ट करना है और बोलना है कि आपकी स्टेटस इस तरीके का शो कर रही है, तो मे बी कि वो कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन ले और हो सकता है कि आपका ये काम बन जाए। तो दोस्तों जितनी जल्दी हो सके इस काम को करिए, और बताइए अभी आपका करंट स्टेटस क्या है, आपको क्या लगता है पेमेंट आने में कितना टाइम लगेगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे अभी असमर्थ हूँ बताने में, क्योंकि जो भी डेट मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएट करके आगे बढ़ जाती है, इसलिए अभी वेट करिए, अभी वेट करना पड़ेगा आपको, मे बी आफ्टर जुलाई जो एक्सपेक्टेशन है वही चीज है। तो आज के वीडियो में बस।